हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिप्टो टीवी पर। मैं हूं आपकी न्यूज होस्ट पार्वती निर्माण और शुरू करते हैं आज के क्रिप्टो वर्ल्ड की हिंदी खबरें। सबसे पहले रुख करते हैं हेडलाइंस की ओर। क्रिप्टो करेंसी का सरकारी क्लासिफिकेशन जीएसटी रेट में कर सकता है बदलाव। क्रिप्टो करेंसीज में आई गिरावट, बिटकॉइन फिसला $42,000 से नीचे। भारत 1 अप्रैल से क्रिप्टो आय पर शुरू करेगा 30% टैक्स। ऑस्ट्रेलिया क्रिप्टो रेगुलेशन की दिशा में उठाएगा बड़ा कदम। एल साल्वाडोर में उम्मीद से बहुत कम है बिटकॉइन अडॉप्शन। रेयर बियर्स एनएफटी प्रोजेक्ट पर हुआ हैकर्स का हमला, चुराए $800,000 के एनएफटी। मेटा मेटावर्स ने मेटावर्स इंटरऑपरेबिलिटी के लिए जुटाए $2 मिलियन। डोज का मार्केट कैप $600 मिलियन से बढ़ा, डोज कॉइन में आया 10% का उछाल। सरकार जीएसटी कानून के तहत क्रिप्टो करेंसी को गुड्स और सर्विसेज के रूप में क्लासिफिकेशन करने पर काम कर रही है, ताकि एक रिपोर्ट के अनुसार ट्रांजैक्शंस पूरे वैल्यू पर टैक्स लगाया जा सके। करंटली 18% जीएसटी सिर्फ क्रिप्टो एक्सचेंजेस द्वारा प्रदान की जाने वाली सर्विस पर लगाया जाता है और इसे फाइनेंशियल सर्विसेज के रूप में कैटेगराइज किया जाता है। जीएसटी अधिकारियों का तर्क है कि क्रिप्टो लॉटरी, कैसीनो, बेटिंग, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग के समान है, जिनके कुल वैल्यू पर जीएसटी का 28% है। सेंटर जीएसटी कानून के तहत क्रिप्टोकरेंसी के क्लासिफिकेशन पर विचार कर रहा है, ताकि ट्रांजैक्शन के पूरे वैल्यू पर टैक्स लगाया जा सके। हालांकि टैक्स की रेट पर चर्चा शुरुआती दौर में है, चाहे वो 0.1% हो या 1%। यूक्रेन पर रशिया के हमले के बीच ज्यादातर ने वीक ग्लोबल स्टॉक्स आउटलुक से निपटने के लिए निचले स्तर पर ट्रेड किया। ऐसे में बिटकॉइन को $42,000 से नीचे आते हुए देखा गया। रिपोर्ट्स के अनुसार मैरीपोल एक स्ट्रैटेजिक ब्लैक सी पोर्ट है, जो रशिया को सदर्न यूक्रेन कोस्ट लाइन को कंट्रोल करने में मदद करेगा। इन्वेस्टर्स फेडरल रिजर्व की यूएस इकोनॉमी को सॉफ्ट लैंड करने की क्षमता पर भी चिंतित रहे हैं, क्योंकि एनर्जी प्रोडक्ट्स की टाइट ग्लोबल सप्लाईज के बीच इन्फ्लेशन में तेजी आने की संभावना है। इन सब के बीच बिटकॉइन हाल ही में पिछले 24 घंटों में लगभग 1.5% फिसलते हुए $41,400 पर ट्रेड करते हुए देखा गया, जबकि ईथर ने 2% की गिरावट के साथ $2,800 पर ट्रेड किया। साथ ही दूसरे मेजर क्रिप्टोज भी लाल निशान पर दिखे। ऐसे में पिछले 2 दिनों में ट्रेडिंग वॉल्यूम में गिरावट आई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBDT के चेयरमैन JB मोहापात्रा ने कहा है कि इस साल 1 अप्रैल से भारत में क्रिप्टोकरेंसीज और वर्चुअल एसेट्स अर्निंग्स पर 30% टैक्स का भुगतान करेगी। हालांकि मोहापात्रा ने कहा है कि सोर्स पर टैक्स कटौती TDS पर 1% की कटौती को 1 जुलाई तक के लिए पुश कर दिया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन द्वारा 2022 के यूनियन बजट में क्रिप्टोकरेंसी ट्रांजैक्शंस पर 30% इनकम टैक्स की घोषणा करने के बाद नॉन फंजिबल टोकन सहित क्रिप्टोकरेंसीज और डिजिटल एसेट्स पर टैक्स लगाने के लिए भारत कुछ सुवरेंस में से एक है। सीतारमन ने इस तरह के ट्रांजैक्शंस पर एक टैक्स रिजीम के तहत एसेट क्लास को शामिल करने के लिए 1% TDS का भी प्रस्ताव दिया था। हालांकि कई क्रिप्टोकरेंसीज ग्रुप ने भारत सरकार से अपने नियोजित 1% TDS पर पुनर्विचार करने की अपील की है और सीतारमन से अपने प्रपोजल पर फिर से सोचने के लिए कहा है। ऑस्ट्रेलिया की सरकार बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स से डिजिटल एसेट्स के लिए लाइसेंसिंग और कस्टडी अरेंजमेंट्स को ओवरहॉल करने की अपनी योजना पर फीडबैक के लिए कह रही है। ट्रेजरी डिपार्टमेंट देश के भीतर अपने कस्टमर्स के फंड को स्टोर करने के लिए लोकल क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजेस की जरूरत की योजना बना रहा है। ऐसे में फाइनेंशियल सर्विस मिनिस्टर जेन ह्यूम का कहना है कि सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि ऑस्ट्रेलिया क्रिप्टोकरेंसी सेक्टर एक सुनिश्चित और ज्यादा सुरक्षित रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के भीतर ही काम करे। सेनेटर एंड्रयू ब्रैग द्वारा सामने रखी गई क्रिप्टो योजना ऑस्ट्रेलिया के क्रिप्टो सेक्टर के एक्सपीरियंस को 30 गुना ज्यादा बढ़ा सकती है।
एक एनालिसिस के अनुसार 2030 तक ये इंडस्ट्री बढ़कर 68.4 मिलियन डॉलर हो सकती है, जिससे 200,000 से ज्यादा नौकरियां हासिल की जा सकेगी। मोटे तौर पर सभी ऑस्ट्रेलियन में से एक चौथाई क्रिप्टो करेंसीज के संपर्क में है, जो एक नए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की आवश्यकता पर रोशनी डालता है। एल सल्वाडोर ने जब पिछले साल बिटकॉइन को अपने अधिकार क्षेत्र में एक लीगल टेंडर बना दिया, तब उस समय क्रिप्टो इंडस्ट्री के नए एनालिस्ट ने प्रेडिक्ट किया कि ये कदम देश के भीतर डिजिटल एसेट को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए बड़े पैमाने पर ड्राइव करने वाला है। हालांकि एल सल्वाडोर के चेंबर ऑफ कॉमर्स द्वारा किए गए एक नए सर्वे से पता चलता है कि देश में ज्यादातर कंपनियां अपने बिजनेसेस के लिए बिटकॉइन का इस्तेमाल नहीं करती हैं। इस सच के बावजूद कि देश और उनके प्रेसिडेंट ने बिटकॉइन अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए हैं। सर्वे के अनुसार सिर्फ 14% रिस्पोंडेंट्स ने सितंबर से बिटकॉइन में ट्रांजैक्शन किया था, जब इसे देश में लीगल टेंडर बनाया गया था। वहीं 91.7% ने कहा है कि बिटकॉइन का इम्प्लीमेंटेशन उनके बिजनेस के प्रति इनडिफरेंट रहा है। ऐसे में अडॉप्शन रेट के कम होने के बावजूद प्रेसिडेंट नायब बुकेले फ्लैगशिप डिजिटल एसेट पर आशावादी बने हुए हैं और देश में वर्तमान में कॉइन की लगभग 1800 यूनिट्स हैं। नॉन फंजिबल टोकन रेयर बियर्स को हाल ही में हैकर्स ने अपना निशाना बनाया। दरअसल हैकर ने प्रोजेक्ट के डिस्कॉर्ड चैनल में एक फिशिंग लिंक पोस्ट किया था, जिसमें लगभग $800,000 के 179 NFT चोरी होकर लिए गए। ऑन चेन एनालिसिस के अनुसार ज्यादातर NFT बेचे गए थे। ऐसे में हैकर्स के पास $795,500 से ज्यादा के 286 ईथर थे, जिनमें से ज्यादातर को तुरंत टोर्नाडो कैश के माध्यम से रखा गया था, जो कि एक क्रिप्टो मिक्सर है जिसका इस्तेमाल फंड्स के सोर्स को ऑफस्केट करने के लिए किया जाता है। हैकर ने एक रेयर बियर्स डिस्कॉर्ड मॉडरेटर के अकाउंट तक एक्सेस हासिल की, जिसे जोर्डन के नाम से जाना जाता है। ऐसे में ग्रुप के चैनल के भीतर एक घोषणा पोस्ट करते हुए कि NFT का एक नया मिंट हो रहा है, ये फेक निश्चित रूप से एक फिशिंग लिंक के रूप में यूजर के वॉलेट से फंड्स चोरी करने के लिए डिजाइन किया गया था। रेयर बियर्स ने कहा है कि टीम सर्वर का नियंत्रण हासिल करने, समझौता किए गए अकाउंट को हटाने और ओनरशिप के एक नए में ट्रांसफर करने में सक्षम थी और सर्वर किसी भी अन्य हमले से सिक्योर है। मेटामास्क के फाउंडर आर्किटेक्ट्स में से एक जोल डिट्स द्वारा स्थापित एक कंपनी मेटा मेटावर्स इन सभी मेटावर्सेस को इंटरऑपरेबल बनाने और यूजर्स द्वारा एंजॉय करने के लिए अवेलेबल कराने के लिए एक टूल प्रोवाइड करना चाहता है। इस टास्क के लिए मेटा मेटावर्स इथीरियम और बिटकॉइन की तरह ही एक लेयर वन ब्लॉकचेन का प्रपोज करता है, लेकिन एक अलग प्रपोज के साथ, जो मेटावर्स में अलग अलग अनुभवों को जोड़ने के लिए मेटाडेटा पूल के रूप में काम करता है। कंपनी में कई इन्वेस्टर्स से $2 मिलियन जुटाए हैं, जिसमें दाओ मेकर, घाफ कैपिटल, डिकेसोनिक, मेटावर्स ग्रुप और अन्य शामिल हैं। ऐसे में डिट्स का मानना है कि आने वाले साल में मेटावर्स का कॉन्सेप्ट बढ़ता रहेगा और क्रिप्टो करेंसी के साइज और इम्पोर्टेंस में बदलाव देखने को मिलेगा। ग्रेस्केल जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन का अनुमान है कि मेटावर्स एक $1 ट्रिलियन ईयरली रेवेन्यू अपॉर्चुनिटी होगा। आज की खबरों में बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड की डेली न्यूज और अपडेट्स के लिए देखना ना भूलें हिंदी न्यूज बुलेटिन दिन में 2 बार सिर्फ क्रिप्टो टीवी पर। मैं पार्वती निर्वाण अब आपसे विदा लेती हूँ। टाटा बाय बाय और नमस्कार। कल फिर मुलाकात होगी इसी समय पर। तब तक देखते रहिए क्रिप्टो टीवी।